नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बलिया गलत रिपोर्ट लगी है मिथिलेश ठाकुर नौरंगा। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा नौरंगा गांव के भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 साल से लगातार उच्च अधिकारियों को पत्र दे रहे हैं। पत्र पर जिला अधिकारी ने जांच कराई, परंतु मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि मिली भगत से गलत रिपोर्ट लगाया गया है। हम उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे। बैरिया ब्लॉक जिला बलिया का रहने वाला हूँ। जी, क्या मामला है? मामला हमारे ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। उस भ्रष्टाचार के लिए हम लोग 2 सालों से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पैसों के बल पर दबा दिया जा रहा है। जी, क्या धांधली हुई है? धांधली जैसे हम कुछ जांच कराए थे 2-3 महीना फरवरी में। किसके द्वारा? आवेदन खाद्य विवरण अधिकारी थे और इंजीनियर थे आर के वाजपेयी, और सीसी रोड मरम्मत, पंचायत भवन, स्कूल का चहरदीवारी, पेवर ब्लॉक कुछ थे, उसी से संबंधित जांच करने आए थे। और जांच करके गए हैं और पैसों के बल पर जांच रिपोर्ट गलत लगाया गया है। उसके पास, वो मेरे पास सारे सबूत है उसका। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, लाल मोहर मियाँ के घर के घर से पेवर ब्लॉक कार्य है, तो जांच रिपोर्ट लगाया गया है कि ग्राम प्रधान द्वारा कार्य नहीं कराया गया है, न ही धन का हरण वितरण किया गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि धन का हरण किया गया है। देखिए, लाल मोहर मियाँ के घर के पास भाउचर नंबर भी ये है, ये इतना 1,57,000 एक बार उठाया गया है और 1,57,000 उठाया गया है वहाँ पर, ये भाउचर नंबर भी है। दूसरा है शिवशंकर लाल के घर से ब्रह्मचारी स्वामी यहाँ सीसी रोड मरम्मत कार्य, वहाँ भी देखिए इसका भी भाउचर है मेरे पास। वहाँ कहा गया है कि ये स्थलीय निरीक्षण किए हैं, वहाँ कार्य न हुआ है और न धन का आहरण वितरण हुआ है, तो उसका भाउचर मैं निकाला हूँ। भाउचर नंबर भी है और बिल भी है। जी, ऐसे फिर और पारस यादव के जी, ये आगे क्या कर रहे थे आप? आगे कह रहे थे कि शिवशंकर लाल के घर से ब्रह्मचारी स्वामी जी तक, वो भी धांधली किया गया है, उसका मेरे पास भाउचर है। पारस यादव के घर से प्रधानमंत्री सड़क तक सीसी रोड मरम्मत का कार्य दिखाया गया है, उसका भी मेरे पास भाउचर है और बिल नंबर है, कितना बिल उठाया गया है। पंचायत भवन का भी है मेरे पास, पंचायत भवन का भी दे दिया गया है कि स्थलीय निरीक्षण में कार्य नहीं कराया गया है, न ही धन का हरण हुआ है। धन का हरण हुआ है, मेरे पास उसका भी बिल है। जी, अभी आप बता दो जिला अधिकारी के क्या संज्ञान में अपने दिया इस मामले को, आगे आप क्या करेंगे? आगे मैं DM साहब को एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ और आगे इस पर मेरा भाउचर है ही, बिल भाउचर है, इस पर FIR करेंगे। खाद्य विवरण अधिकारी RK वाजपेयी और प्रधान सचिव और BDO के ऊपर FIR करेंगे सीधा। जो जांचकर्ता जो आए थे कौन हैं? वो जांचकर्ता खाद्य विवरण अधिकारी थे। अच्छा जी, एक लोक निर्माण कल्याण के विभाग के इंजीनियर RK वाजपेयी। उन्होंने जांच में क्या रिपोर्ट लगाया है? जांच में पैसा लेकर रिपोर्ट गलत लगाए हैं। जी, आप कैसे कह सकते हैं पैसा लिए हैं? देखिए, जो स्थलीय निरीक्षण कराया गया है, कार्य हुआ नहीं है, जिसका मेरे पास बिल भाउचर सब कुछ है, और कहा जा रहा है कि पैसा नहीं, धन का निकाला नहीं है, निकासी नहीं हुई, और उसका मेरे पास बिल है कि धन निकाला गया है, भाउचर नंबर भी है, बिल नंबर है, इस आधार पर हम कहेंगे कि धन। तो क्या जब आपके ये कहने का तात्पर्य है तो प्रधान से अधिकारी को मिली भगत है क्या? जी, तो आगे आप क्या करेंगे? आगे मैं FIR करेंगे और उस जो जांच अधिकारी आए थे उन पर, और DM साहब को भी मैं एक बार मिलूंगा और उनसे बताऊंगा। नहीं कार्रवाई करते हैं तो DM साहब पर भी हम FIR कराएंगे। हाईकोर्ट में FIR किए हैं, वहाँ से मैं इनको DM साहब, CDO साहब, DPRO साहब, BDO साहब, सबको घसीटूंगा हाईकोर्ट। जी।